शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम दुश्मन का भी दिल जीत पाएंगे। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड इरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बापू, मैं भगत सिंह के विचारों की सराहना तुमने क्यों की जवाहर, और वो भी कांग्रेस बुलेटिन में? मैं चाहता था कि उस पर डिबेट हो, चर्चा हो। चर्चा? तुम जानते हो उनके तरीके कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भूल हो गई, किंतु आपके सामने एक बात जरूर लाना चाहूंगा। हमारे पार्टी के नौजवान भगत सिंह की भाषा बोलने लगे हैं। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी बापू, अभी तक वायसराय के जवाब का हमें इंतजार है, और वहां हमारे नौजवानों में भगत सिंह के पूर्ण स्वराज के नारे गूंज रहे हैं। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। अंग्रेजी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जान ले कि कांग्रेस अपने टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग पे कोई भी समझौता नहीं करेगी। टोटल इंडिपेंडेंस, what's got into the Congress all of a sudden? Bhagat Singh. Sir, Bhagat Singh's popularity is forcing the Congress to behave more militantly. Just read Nehru's speech. But the man's in jail, Herbert. And I thought we had enough witnesses in this case. The case has become a comedy, sir. Bhagat Singh and his friends run their damn revolution from jail and treat the court like their propaganda office. You're not making sense, Herbert. सर, अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। यू हैव टू स्टॉप हिम। हर्बर्ट, फॉर गॉड्स सेक, आई हैव टू फॉलो द लॉ। यू आर द लॉ। इफ यू डिक्लेयर एन इमरजेंसी, यू कैन चेंज द लॉ विद एन ऑर्डिनेंस। तो वायसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त की गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उन्होंने कर रखा है उस पर अमल भी कर लेंगे, और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो भगत ने यही तो कहा था पंडित जी, किस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा, और ऐसा उसने कर दिखाया। इसीलिए तो उसी की जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे। भगवती, वीरभद्र जी, पंडित जी, भगत को खबर करो वो तैयार रहे, हम उसे अदालत जाते समय ही छुड़ा लेंगे। उसे जो करना था उसने कर दिया। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका हजारवां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके, और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा, जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा, हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे, हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। मिस्टर सिंह, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, your honor. Neither my country is poor nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहां तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए?
व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुम क्या आइला, हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नूर हीरा चोर। क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय तीन जज बैठे हैं तो इसका मतलब ये हम डर जाएंगे? तीन की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? ओड़ा, ओड़ा। ओए, निकल लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 105,000 अंग्रेज बहरे होके भागोगे यहाँ से। Your Honor, they are wasting precious time of the court. Please allow me to call the government witness, Ram Saran Das. Please proceed. साला गद्दार आ रहा है। ओए उसे छोड़ना यार, अपने रसगुल्ले का बाहर है। आए होंगे बाहर, रोक के रखे होंगे। यार अंग्रेज ना खा जाएंगे। हाँ तो मिस्टर राम सरन दास, आपने अपने बयान में कहा। झूठ है, मैंने कोई बयान नहीं दिया है। Your Honor, we have a signed testimony of Mr. Das. झूठ है, सब झूठ है। पुलिस ने मुझे बार बार पीटा और जबरदस्ती मेरा बयान लिया जो कि सरासर गलत है। He's lying. Your Honor, I want to recall Mr. Jaigobal to the witness box. Your Honor, ये बात अदालत के सामने आ गई है कि पुलिस ने मार मार कर सारे गवाह तैयार किए हैं, इसलिए सारे सरकारी गवाहों के बयान खारिज कर दिए जाएं। That is impossible. I want Mr. Jaigobal here, Your Honor. Call Mr. Jaigobal. Order, order. Now, Mr. Jaigobal, you tell the truth to the court. मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब ने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। गद्दार, हरामी! पागल हो गया क्या? क्या क्या खराब हो गया? Your Honor, this is contempt of court. They all should be handcuffed. Handcuff them all. Call the police. Your Honor, ये अदालत है, यहाँ हथकड़ी नहीं बनाई जाती। मैं अपने दोस्त की हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। बोलना। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। मेरी गलती की सजा इन सबको ना दी जाए योर ऑनर। मिस्टर हिल्टन, आई वांट ऑल ऑफ देम टू बी हैंडकफ्ड। हैंडकफ देम। इसका विरोध करेंगे। कोई अंकल नहीं बनेगा। चल किसी को मिस्टर हिल्टन, प्लीज स्टॉप देम। और ये है आपका इंसाफ? आप लोग बुज़दिल हैं, कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं। हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा काम नहीं रखेंगे। ओड़ा, ओड़ा। To hell with your order, to hell with your law. जो फैसला आप लोग कर चुके हैं, जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। Let the courtroom be empty. Just finish the case. Finish it. आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? जिस अदालत, जिस सरकार को हम ठोकर मार रहे हैं, उसी सरकार के सामने आप घुटने टेक कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं? मैं जानता हूं बाबूजी, आप मेरे तरीकों से सहमत नहीं हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह मेरी लड़ाई में दखल दे। माफ करना बाबूजी, आपने मेरी पीठ में छुरा भोंका। ना भगत, ना बेटी, भगत तू ही बता बेटा, एक बाप क्या करता बेटे? एक बाप बताना क्या करता एक बाप बेटा, क्या करता एक बाप? आप एक मिसाल बन सकते हैं दूसरे पिताओं के लिए कि वो भी बिना झिझक अपनी औलादों को भेज दे आजादी की लड़ाई में शहीद होने के लिए। इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते, कमजोर नहीं पड़ सकते।